नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर और बीबीएम न्यूज का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद एक कैदी की आज मेट्रो अस्पताल में उपचाराधीन अवस्था में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बल्लभगढ़ थाना सदर की मनमानी आई सामने, ट्रैक्टर ट्रॉली पर किया झूठा मुकदमा। 4 दिन से थाने में सड़ रहे हैं आलू, किसान को हुआ 80 से 90 हजार का नुकसान। बल्लभगढ़ के सेक्टर 6 स्थित एक निजी कंपनी में लगी भीषण आग, सूचना मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एम्स ब्रांच की नर्सेज यूनियन के कर्मचारियों की हड़ताल। गांव मुजेड़ी में चली गोलियां, मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 की टीम ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में घर के बाहर खेल रही 3 वर्षीय बच्ची के साथ एक आदमी ने अश्लील हरकत की, बच्ची की मां ने उसे बच्ची के साथ गलत हरकत करते देखा तो आरोपी फरार हो गया। शहर थाना पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद में अब हरियाणा खेल विभाग की डिप्टी डायरेक्टर और भाजपा नेता बबीता फोगाट भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है, इस बार उन्होंने कांग्रेस और शिवसेना को घेरा है। बबीता ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो जाओगे जेल, हिंदुओं को पत्थर मारोगे तो कांग्रेस और शिवसेना करवा देगी तुरंत बेल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक शख्स ने अपने ही बड़े भाई और उसके परिवार के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसके भाई की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 सदस्यों के अलावा एक पड़ोसी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को पहले एक शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन 4 से 13 जून 2022 को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में विधानसभा में नवनिर्मित 36 MLC सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण समारोह में ली शपथ। CBSE के 10वीं और 12वीं के बोर्ड के सेकंड टर्म के एग्जाम आज से शुरू। गुजरात के साबरकंठा में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर से ढाए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की झुग्गियों में लगी भीषण आग, छोटे सिलेंडर के फटने से लगी आग। CM अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले के मामले में BJP सांसद तेजस्वी सूर्या को दिल्ली पुलिस का नोटिस। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी पकड़े गए, 2 पिस्टल चाइनीज ग्रेनेड बरामद किए। मुंबई में पुलिस के खिलाफ शिकायत करने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे क्रीट सोमैया। 6 से 12 साल तक के बच्चों को अब लगेगी कोविड की कोवैक्सीन, आपातकालीन इस्तेमाल की मिली मंजूरी। दिल्ली में आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर बोले शाहीन बाग में भी चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड सरकार से कहा कि वो सुनिश्चित करे कि बुधवार को रुड़की में होने वाली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच ना दी जाए। नोएडा के गार्डन्स ग्लेरिया मॉल में बार स्टाफ के साथ हाथापाई के बाद 30 वर्षीय शख्स की मौत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदले जाने के बीच राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2025 तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। मई में नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे फिनलैंड और स्वीडन। किम जोंग का ऐलान, नॉर्थ कोरिया सर्वाधिक तेजी से बढ़ाएगा परमाणु क्षमता। टेस्ला के CEO एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार ने को एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। काबुल यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियों की एजुकेशन अब अलग अलग दिनों पर होगी। हफ्ते में 3 दिन लड़के और 3 दिन लड़कियां क्लासेस लेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जल्द ही होने जा रही है वतन वापसी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरकार ने नवाज को नया पासपोर्ट दिए जाने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी के पास हुआ धमाका, 3 चीनी नागरिक समेत 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। जापान की नागरिक काने तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बताया कि 118 वर्षीय फ्रांसीसी नन सिस्टर आंद्रे अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति। इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन ने रूसी और बेलारूसी एथलीटों पर लगाया बैन। IPL 2022 के 38वें मुकाबले में सोमवार को पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रनों से हरा दिया।
लताशनाथ मंगेशकर की अचानक तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बॉलीवुड के गीतकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष प्रसून जोशी की मां सुषमा जोशी का निधन। विल्स बहुत अच्छे हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। विल स्मिथ की थप्पड़ मारने वाली घटना पर बोले AR रहमान। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज NCR और BVM न्यूज़।